हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एज़ यू गाइज नो, ICMR का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है कि इसका स्किल टेस्ट बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो ये फेस क्लियर कर चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी प्रिपरेशन फॉर द स्किल टेस्ट बकअप करें, राइट? तो इस वजह से आज मैंने ये छोटा सा सैम्पल वीडियो बनाया है। सबसे पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि स्किल टेस्ट में क्या आएगा और कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो पहले आप वो जाके देख के आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे पैटर्न नहीं बताने वाली हूँ। पैटर्न मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम सिर्फ एक सैम्पल वीडियो करने वाले हैं MS PowerPoint का, ओके? इसी तरह हम लोग MS Excel एंड MS Word का भी एक एक सैम्पल बनाएंगे, और उसके बाद अगर मुझे लगा, अगर मैं ट्राई करूँगी, वैसे अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और जो 20% हमारा स्किल टेस्ट में रखा है वो पूरे तरीके से हमें फुल मार्क्स उसमें मिले, ओके? क्योंकि एक्चुअली स्किल टेस्ट बहुत ईजी होता है, जितनी मेहनत आपने फेज वन में की थी उसका बहुत ही कम परसेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में स्किल टेस्ट में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट भी मत करिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एट लास्ट वहाँ पे जाके टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये था ESICUDC का, जब 2019 में एग्ज़ाम हुआ था स्किल टेस्ट, जब मैंने दिया था उस टाइम पे ये स्लाइड बनाने को आई थी। तो मैं आपको बताया था कि एक सैम्पल आपको मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको अपना प्रेजेंटेशन बनाना होगा, राइट? तो यहाँ पे स्लाइड टू, अभी हम लोग सिर्फ आज एक ही स्लाइड बनाएंगे और उसके बाद हम लोग ये वाला पेपर धीरे धीरे और वीडियोज़ में कवर करेंगे, ओके? तो सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, स्लाइड टू आपको बनानी है। रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मैंशनड इन द सैम्पल स्लाइड टू, ठीक है? यानी ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये स्लाइड आपकी सेम ऐसी दिखनी चाहिए, बाई यूजिंग एरियल ब्लैक, ठीक है? यहाँ पे आपको फॉन्ट दे दिया, एरियल ब्लैक आपको यूज करना है। फॉर टाइटल एंड वर्दाना एज फॉन्ट टाइप फॉर टेक्स्ट टेबल अलॉन्ग विद द फॉन्ट साइज ऑफ 50 point। देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं, डेफिनेटली इसमें कोई भी कन्फ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या बात की गई है इसमें, कि जो आपका कंटेंट है, जो टाइटल है उसका जो फॉन्ट है वो एरियल ब्लैक होगा, और जो आपका फॉन्ट इस टेबल में है उसका फॉन्ट जो है वो वर्दाना होगा, ठीक है? और 50 point टाइटल को देना है और 32 point फॉन्ट साइज आपका ये होगा, टेबल वाला, अंदर वाला, ओके? द टाइटल शुड बी इन बोल्ड ऑल्सो, ये जो टाइटल दिया है ये बोल्ड में होना चाहिए। द फॉर्मेटिंग नीड टू बी कैरिड आउट एज पर द टेक्स्ट गिवन इन द सैम्पल स्लाइड्स टू, यानी अब देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें हाईलाइट क्या चीज़ है, नॉर्मल क्या है, इटैलिक्स में है कि नहीं, अंडरलाइन है कि नहीं, ये सब आपको इस फिगर में, इस सैम्पल में देख के खुद आइडेंटिफाई करना है, ओके? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये स्लाइड टू हम बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ESI डिस्पेंसरीज एंड ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल नोट कर लिया है, लेकिन देखिए क्या मेरा टाइटल ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, राइट? सबसे पहले हम इसका फॉन्ट करते हैं एरियल ब्लैक और साइज़ को सेट कर लेते हैं, दो चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है, ओके? तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, देन गो टू यहाँ से फॉन्ट। अब यहाँ पे आप ढूंढने मत बैठ जाइएगा, अगर आपको तुरंत, जैसे मुझे एरियल ब्लैक यहाँ तुरंत दिख गया, अगर ज़्यादा कोई नीचे का दिए तो आप यहाँ पे तुरंत टाइप करेंगे ना, कुछ भी आप टाइप करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर रही हूँ, एंड आपका साइज़ क्या होना चाहिए, होना था 50, तो देखिए यहाँ पे 50 नहीं है, 54 है, 60 है, 48 है, 50 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 50 टाइप कर दूँगी, 50, एंटर। अब ये 50 का हो गया मेरा, ठीक है? अब इसको सेट कैसे करेंगे, देखिए सेट यहाँ पे क्या है, नंबर से लेके एंड तक है और IMPS नीचे आ गया है, ओके? अब इसको देखिए आप एक्सपैंड करिए,
देखिए अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमें एक टेबल इंसर्ट करनी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं और एक्सपैंड करती हूँ थोड़ा, इसको आप बड़ा करेंगे तो ये अपने आप फिट होगा इसमें। देखिए आप देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम पेज की हो रही है, यहाँ मेरा पेज छोटा या बड़ा हो रहा है। तो आप यहाँ से होम पे थे, आप यहाँ से आप डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से पेज सेटअप ऑन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको इंक्रीज़ करिए, विड्थ आपको इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 35 कर देती हूँ एंड हाइट यहाँ से मैं 20 कर देती हूँ एंड ओके। देखिए ये फिट हो गया इसमें, राइट। इस तरह से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी, जितना इजी आप समझ रहे हैं उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपना पेज सेटअप किया। अब देखिए आप यहाँ पे तो एंड अभी भी ऊपर आ रहा है और IMPs नीचे है, राइट। तो अब फिर से यहाँ पे मुझे पेज सेटअप में जाना पड़ेगा, इसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पेज सेटअप चूज़ किया 60 एंड 30, तो जाके मेरा ये फाइनली फिट हो गया। नंबर ऑफ ESI देखिए सेम ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ पे भी नंबर से लेके एंड तक है और सेकेंड लाइन में IMP से लेके 2018 तक है और दो पूरा ये मिडल अलाइंड है। ये आप देख रहे होंगे सेंटर अलाइंड है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर अलाइंड है कि नहीं। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया ये देखिए सेंटर अलाइंड का स्टार्ट हो गया, यानी सेंटर अलाइंड है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हुई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे मोटा मोटा लिखा है द टाइटल शुड बी इन बोल्ड ऑल्सो, तो इसलिए हमने उसको बोल्ड भी किया था, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये हमें टेबल बनानी है, ईयर, नंबर ऑफ ESI डिस्पेंसरीज एंड नंबर ऑफ IMPs, ठीक है। तो कितने हमें कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए और रोज़ कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 3:6 की हमें टेबल बनानी है। अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं, यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में, टेबल, इंसर्ट अ टेबल, ठीक है। 3:6 की बनानी थी, यहाँ पे 3 टाइप करेंगे एंड यहाँ पे 6 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गई टेबल आपकी। अब आप इसको नीचे लेके आइए स्क्रॉल करके। अब आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा जो भी करना है कर सकते हैं, अभी हम वो सेट करेंगे उसके हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे मैं कौन सा लेना है फॉन्ट, हमें होम में जाते हैं और शायद वरदाना लेना था, राइट। तो फॉन्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वरदाना। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप टाइप करिए वरदाना आ जाएगा। ये देखिए वरदाना ले लिया हमने। और साइज़ क्या लेना था, साइज़ वॉज 32, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर और 2014 से लेके 2018, 32 हमारा साइज़ है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईयर कैपिटल में, देन सब कैपिटल नहीं है, एम सॉरी, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी फ्रेंड्स, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं, ओके। 24 to 2018, 2014, then 2015, 2016, 2017 and 2018। देखिए आप एक चीज़ इसमें टेबल में हमेशा याद रखिएगा, आपने फॉन्ट कुछ भी लिया हो स्टार्टिंग में, जब आप अगली रो या कॉलम में जाएंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होगा वो आने लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने ईयर में देखिए फॉन्ट चेंज किया था तो वरदाना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैलिबरी आ गया है। तो हम एक काम अब करते हैं कि सारा पहले हम इसमें टाइप कर लेंगे और फिर सबका फॉन्ट एक साथ ही कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ मिडल में क्या था, नंबर ऑफ ESI डिस्पेंसरीज, नंबर ऑफ ESI डिस्पेंसरीज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, पहले हम टाइप कर लेते हैं उसके बाद मैं सही करती हूँ टेबल, ठीक है। 8780 8828 8780 63 16 48, ओके। अब देखिए इसको सेट कैसे करते हैं टेबल को। सबसे पहले मैं सबको यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और सबको वरदाना कर दूँगी,
आपने यूज़ किया था कि ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये 32 साइज सबका है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या ये मिडल अलाइन था, यहाँ से चेक करेंगे। यस, ये मिडल अलाइन था सब, तो मिडल लाइन पे टिक कर देंगे, ये सब कुछ बीच में आ गया। अब क्या चीज़ सेट करनी है, देखिए ये वो जो ऊपर वाला ये रो है ये शायद मिडल लाइन नहीं हुआ है, तो इसको फिर से हम लोग करेंगे। ये आ गया। अब देखिए सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक जो बीच वाला कॉलम है नंबर ऑफ ESI डिस्पेंसरीज, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। नंबर ऑफ ESI ऊपर है और डिस्पेंसरीज नीचे है। तो अब देखिए यहाँ पे जाके बस एंटर कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब ये चीज़ भी हो गई यहाँ पे सही। तो अब मेरी टेबल सेम वैसी लग रही है, लेकिन देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आप अगर और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो जो नंबर ऑफ ESI डिस्पेंसरीज की टेबल है वो थोड़ी सी छोटी है, मेरी कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, राइट। तो इसको छोटा सा थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके, ये दोनों तरफ से ऐसे छोटी हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी टेबल। देखिए अगर आपने जैसे अभी देखिए मेरा ये वाला जो रो है ये मेरा वरदाना नहीं हुआ है, तो ये कॉलम मैं वरदाना अपना कर ले रही हूँ पहले। अगर आप ये सब नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, आपके नंबर पक्का कट जाएंगे, और यहीं से थोड़े थोड़े नंबर्स आपके कटेंगे और बहुत ही कम फिर आपका स्कोर आएगा। इस वजह से प्लीज़ ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये तो टेबल बन गई। सेकेंड क्या कह रहा है बी यहाँ पे, इंसर्ट फुटर विथ टेक्स्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्लाइड नंबर टू बी अप्लाइड टू बोथ द स्लाइड्स एज पर द टेक्स्ट गिवन इन द सैम्पल स्लाइड्स 1 and 2 हियर अंडर। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली फुटर ऐड करना है और स्लाइड नंबर ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं देख लेते हैं। इंसर्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे एक कॉलम होता है हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपसे कभी कहते हैं डेट एंड टाइम इंक्लूड करिए तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे ऐसे, लेकिन अभी हमें नहीं बोला है तो हम इसको अनटिक करेंगे। स्लाइड नंबर हमें ऐड करना था और फुटर ऐड करना था, और फुटर में लिखा क्या होना चाहिए था, फुटर में लिखा होना था कंप्यूटर स्किल टेस्ट और बोल्ड में है वो। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट बोल्ड में एंड दिस अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अगर आपको सारे स्लाइड्स में लिखना है तो अप्लाई टू ऑल करिए, अदरवाइज मत करिए। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे तो कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया था, लेकिन तो अगर आप चाहें थोड़ा सा हाईलाइट करना तो ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं आप, इसको कलर चेंज कर सकते हैं, वरदाना कर सकते हैं, इसको जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे स्लाइड नंबर आपका आ गया, स्लाइड नंबर को आप सेलेक्ट करिए, गो टू वरदाना, यहाँ से इसका थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर दीजिए, फॉन्ट इसका इंक्रीज कर दीजिए, फॉन्ट साइज, और ये हो गया आपकी स्लाइड तैयार, राइट। अब इसी तरह देखिए आप, जब आपने हेडर एंड फुटर ऐड किया था तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये फुटर आ गया है और यहाँ पे स्लाइड नंबर ऑलरेडी ऐड हो गई है। अगर आप वो क्लिक टू अप्लाई टू ऑल स्लाइड नहीं करते तो सिर्फ इस स्लाइड पे होता है ये चीज़। ओके, तो ये हो गई स्लाइड। देखिए अब आपको मेरी स्लाइड डिट्टो ऐसी दिख रही होगी, राइट, आप टैली करके देख लीजिए चाहे तो। देखिए इसके बाद देखिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, आपको थोड़ा सा पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो लोग नए हैं इसमें। और इसके बाद देखिए हम, मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं एक्सेल और MS वर्ड में भी इसी तरह एग्जाम्पल बना के दिखाऊँ खुद से, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। और डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्किल टेस्ट के लिए और क्या क्या दिक्कत हो रही है, या फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपकी और हेल्प करूँ। ओके, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल इन एनी वे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज़।